श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे आज करवा चौथ जो है, ऐसे तो 8 अक्टूबर 2017 को है, तो करवा चौथ की आधुनिक संस्कृति और परंपरा क्या हो गई है। आजकल उत्तर भारत समाज में करवा चौथ की संस्कृति और परंपरा को बदल दिया है और एक रोमांटिक त्यौहार के रूप में मना रहे हैं। यह जोड़ी के बीच प्यार और स्नेह का प्रतीक का त्यौहार बन गया है। यह हर जगह फिल्मों के माध्यम से प्रेरित होकर बॉलीवुड शैली में मनाया जा रहा है, जैसे दिलवाले वगैरह, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वगैरह जो फिल्में हैं, कभी खुशी कभी गम। कहीं कहीं यह अविवाहित महिलाओं द्वारा भी अपने मंगेतर और अपने भविष्य में होने वाले पति के लिए अपना प्यार और स्नेह दिखाने के लिए रखा जाता है। यह भावनात्मक और रोमांटिक लगाव के माध्यम से दंपत्ति के रिश्ते की अच्छी अवस्था में लाने का त्यौहार बन गया है। त्यौहार की तारीख के पास आते ही बाजार में अपना कारोबार बढ़ाने के लिए बहुत सारे विज्ञापन अभियान टीवी रेडियो आदि पर दिखना शुरू हो जाता है। करवा चौथ पर सभी, जैसे बच्चे और पति, विशेष रूप से उपवास वाली महिलाओं सहित अच्छी तरह से नए कपड़े पहनते हैं और एक साथ त्यौहार मनाते हैं। यह प्रसिद्ध पारिवारिक समारोह बन गया है और प्रत्येक चंद्रोदय तक आनंद मनाते हैं। चंद्रोदय समारोह के बाद अपनी व्यस्त दैनिक दिनचर्या में कुछ परिवर्तन लाने के लिए अपने बच्चों के साथ कुछ जोड़े बजाय घर में खाने के, स्वादिष्ट खाने के, ये रेस्टोरेंट या होटल वगैरह में खाते हैं। कुछ लोगों द्वारा इसकी आलोचना भी की गई है। हालांकि कुछ लोग महिला सशक्तिकरण त्यौहार के रूप में भी कहते हैं, क्योंकि आमतौर पर करवा चौथ पर औरत पूरे दिन के लिए और व्यस्त दैनिक जीवन से दूर जीवन जीने के लिए पूरी तरह से उनके घर का कामकाज छोड़ देती है। वे राहत महसूस करती हैं और अपने पति के उपहार प्राप्त करती हैं जो उन्हें शारीरिक, बौद्धिक और भावनात्मक रूप से खुश करती है। तो ऐसा माना जाता है कि घर के काम जो है, घर के काम करता है और परिवार के सभी सदस्य की जिम्मेदारी महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे बड़ी बात है। हालांकि सिख सिद्धांत उपवास की अवधारणा पर अत्यधिक विरोध करता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि उपवास का कोई भी आध्यात्मिक या धार्मिक लाभ नहीं है, यह केवल स्वास्थ्य कारणों के लिए रखा जा सकता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।